नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड, रक्त में गैसों का परिवहन कैसे होता है। अगर हम बात करें ब्लड में गैसों के बारे में तो हमें मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के बारे में बात करनी है। देखिए, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा गैसों का रक्त में परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। क्लियर है बात? इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब आप श्वास अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन, जिसको हम कह रहे थे अंतःश्वसन, देखिए जब आप श्वास अंदर लेते हैं, अंतःश्वसन करते हैं, तो वातावरण के अंदर जो वायु है उसमें ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03%। ये देखिए, और जब आप वायु बाहर निकालते हैं इसको कहा जाएगा एक्सपायरेशन। या बहिर्श्वसन, देखिए इस समय ऑक्सीजन 15.6% और CO2 3.6% होता है। ये डाटा है जो आपको याद रखना है, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन जब आप श्वास अंदर लेते हैं तब जो वातावरण की वायु है उसमें ऑक्सीजन और CO2 का प्रतिशत ये है, और जब आप श्वास बाहर निकालते हैं तो उस बहिर्श्वसित वायु में ऑक्सीजन 15.6% और CO2 3.6% होती है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हम जो वायु अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है, ये नहीं है। उसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। और जब हम श्वास बाहर निकालते हैं उस बहिर्श्वसित वायु में भी ऑक्सीजन है, लेकिन तुलनात्मक रूप से यहाँ 21% था तो यहाँ पर 15.6%, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से थी यहां पर उससे बहुत ज्यादा है, 3.6%। जब अंतर श्वसित वायु या इंस्पायरेशन के द्वारा वायु ग्रहण करने हैं तब प्रतिशत ये है, और जब आप बाहर निकाल रहे हैं तब प्रतिशत ये है। ये मैं एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के समय जो प्रतिशत है गैसों का वो बता रहा हूं। अब इन्हीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से आगे ब्लड में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इस बारे में बात करते हैं। ये कुछ डाटा है जिसको आप देख लीजिए। चलिए, तो मेनली हमारा जो टॉपिक है वो है गैसों का रक्त में परिवहन। गैसों का रक्त में परिवहन, या यूं कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। अभी हमने बात की थी कि बहिर्श्वसित और अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। मेन जो टॉपिक है वो है गैसों का रक्त में परिवहन। क्लियर है बात? अब इसमें दो गैसों के बारे में देखेंगे। एक है ऑक्सीजन का परिवहन,
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा है CO2 का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। इन दो गैसों के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। अब जो ऑक्सीजन का परिवहन है, ये दो तरीके से हो सकता है। एक है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, और दूसरा है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। ध्यान से देखिए आप, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में, ये दो तरीके हैं ऑक्सीजन के परिवहन के। ऑक्सीजन या तो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में या ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में क्या होगा, आप जानते हैं, ऑक्सीजन सीधी प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन में क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई रहेगी। यहां से इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं कि कुल जो ऑक्सीजन का परिवहन है उसका 3% प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है और 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ये प्रतिशत भी आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं CO2 का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तीन तरीके से होगा, ये भी प्लाज्मा में घुलित अवस्था में दूसरा कार्ब अमीनो यौगिकों के रूप में। देख लीजिए, कार्ब अमीनो कंपाउंड के रूप में, और तीसरा RBC द्वारा, जिसको यूं भी लिखा जा सकता है बाइकार्बोनेट के रूप में। CO2 का परिवहन तीन तरीके से होगा, क्या क्या, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, कार्ब अमीनो यौगिकों के रूप में, RBC द्वारा, और RBC में CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। दोस्तों, एक चीज आप ध्यान में रखें कि इस प्रत्येक टॉपिक के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन का परिवहन दो तरीके से, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप, CO2 का परिवहन तीन तरीके से, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, कार्ब अमीनो यौगिकों के रूप में, और RBC के द्वारा, और RBC में किस रूप में होगा, बाइकार्बोनेट रूप में। क्लियर है? देखिए, प्लाज्मा में घुलित अवस्था है वो 7% इससे होगा, 23% कार्ब अमीनो यौगिकों के रूप में, और मैक्सिमम कितना, 70% RBC द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में। अब एग्जाम में आपसे पूछा गया CO2 का अधिकतम परिवहन किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में RBC द्वारा, और कितना, 70%। कार्ब अमीनो यौगिकों के रूप में कितना होता है, 23%। प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में कितना होता है, 7%। तो गैसों के परिवहन के बारे में एक आउटलाइन मैंने आपको बताई है कि ऑक्सीजन का परिवहन किन दो तरीकों से होता है और CO2 का परिवहन किन तीन तरीकों से होता है, और सबका प्रतिशत भी आपको याद में रखना है।
प्रतिशत से भी कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का अधिकतम परिवहन किस प्रक्रिया या किस रूप में होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में, और CO2 का अधिकतम किस में होगा, बाइकार्बोनेट के रूप में, और ये कहां बनेगा, आरबीसी में। देख लीजिए, दोनों की आउटलाइन के बाद अब हम मेनली बात करते हैं ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में, और फिर हम बात करेंगे CO2 के परिवहन के बारे में। तो पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, तो मेनली अपना टॉपिक था केसों का रक्त में परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। और इसमें भी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में। देख लीजिए, और इस ऑक्सीजन के परिवहन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा में घुलित अवस्था में तो सिंपल आपके पास ये ब्लड है, और इस ब्लड में जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, ऑक्सीजन इस प्लाज्मा में सीधे ऐसे डिसॉल्व हो जाए और फिर इसका ट्रांसपोर्ट हो, तो ये क्या होगा, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। और ऐसा परिवहन कितना प्रतिशत होता है, मैंने आपको बताया था 3%। मैक्सिमम जो है वो किस रूप में होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में, और एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते, इसी को डिटेल में पढ़ना है। ऑक्सीजन का अधिकतम परिवहन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में होगा, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन का मतलब है कि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाए, हीमोग्लोबिन के साथ। इस रूप में ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा होगा, और वो कितना होगा, 97%। तो दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें मैंने आपको सिंपली ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन कैसे कैसे होता है उसके बारे में बताया, इनके प्रतिशत के बारे में बताया। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि हम अब डिटेल जानकारी ले रहे हैं ऑक्सीजन के परिवहन की, जो दो तरीकों से होता है। पहला है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, जो 3% होगा, और उसके बाद है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में, तो मैक्सिमम कितना होगा, 97%। और इसमें होगा क्या, हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन दो तरीके से हो रहा था, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में और ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में 3% और ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में 97%। तो अब हमारा फोकस रहेगा ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में किस तरीके से होता है, और एग्जाम में यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं O2 के परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन।
और उसमें हम मेनली बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ध्यान से देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में इसको देखिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए। सिंपली अगर हम देखें तो इसका अर्थ यह है कि हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाता है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन? देखिए, और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो मेनली नई बात क्या है कि इस हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लें, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उनके बारे में पता कर लें तो अच्छा रहेगा। तो आइए थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी लेते हैं, ताकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है ये हमें अच्छे से पता हो। तो हीमोग्लोबिन के बारे में आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन आप जानते भी हैं इसके बारे में, HeMO भी लिख सकते हैं और HaeMO भी लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसको श्वसन वर्णक भी कहा जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देखिए कहाँ होता है, हमारे अंदर ऐसी आरबीसी होती है, ये आरबीसी और स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, अगर उसका आकार देखा जाए तो वो होता है उभयावतल, बाइकॉनकेव। देखिए बाइकॉनकेव, और इस आरबीसी के अंदर बहुत सारे, बहुत अधिक संख्या में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। और मान लीजिए ये हीमोग्लोबिन का अणु, एक आरबीसी में बहुत सारे हीमोग्लोबिन के अणु होंगे, और हीमोग्लोबिन के अणु के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसे आयरन कहते हैं, लोहा। एक सिंपल बात तो ये है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक श्वसन वर्णक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कहाँ पाया जाएगा, हमारी आरबीसी में, और हमारी आरबीसी में, एक आरबीसी में बहुत सारे हीमोग्लोबिन के अणु होंगे, और हीमोग्लोबिन के अणु में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन। तो याद कीजिए, मैं जनरली आरबीसी को दिखाते समय आपको ये बताता हूं कि आपके पास ये आरबीसी है। इस चित्र से आपको ये पता लगे कि देखो, इधर से देखेंगे तो भी अवतल कॉनकेव, इधर से देखेंगे तो भी कॉनकेव, तो ये बाई कॉनकेव या उभयावतल संरचना हो गई। और इस आरबीसी में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ये मैंने बना दिया हीमोग्लोबिन। तो ये है हीमोग्लोबिन को HB से लिख सकते हैं,
और इस हीमोग्लोबिन के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको क्या कहा जाएगा, आयरन या लोहा। देखिए बहुत जनरल साइंस वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा आयरन। हीमोग्लोबिन किस रंग का पिगमेंट है, लाल रंग का, रेड कलर का। अगर आप बात करें इस हीमोग्लोबिन की तो इसके दो काम है, एक तो रक्त को कौन सा रंग प्रदान करता है, लाल रंग, और दूसरा जो हम पढ़ना चाह रहे हैं ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन, इस रूप में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप। तो एक जनरल आउटलाइन जो जनरल साइंस में भी आप पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में वो मैंने आपको बताई है। हीमोग्लोबिन कहाँ होगा, आरबीसी में होगा, और इस हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन। देखिए आगे इसी हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा और डिटेल जानकारी अगर हम लेना चाहें तो देखते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन अभी जो मैंने आपको बताई बात वो आप जानते हैं, एक जनरल बात है। थोड़ा सा अगर हम अपने एग्जाम के पर्पज से देखें तो इस हीमोग्लोबिन के दो घटक होते हैं, हीमोग्लोबिन के कितने, दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, और जो नाम से भी पता लग रहा है कौन कौन, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। देख लीजिए हीमोग्लोबिन के दो घटक है, एक हीम और दूसरा है ग्लोबिन, और नाम रखा गया है हीमोग्लोबिन। देख लीजिए अगर आप सिंपली बात करें, आपके पास एक अणु हीमोग्लोबिन का है, ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आराम आराम से मैं आपको बता रहा हूं, मेरा पर्पज है आपको चीजें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ स्मूथली और एक पर्टिकुलर फॉर्म में बताई जाए ताकि याद रखने में दिक्कत नहीं। एक अणु हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होगा तो हीम भी होना चाहिए और ग्लोबिन भी होना चाहिए। एक अणु हीमोग्लोबिन में चार अणु किसके होते हैं, हीम के, और चार अणु ही किसके होते हैं, ग्लोबिन के। ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात, इसको समझ लीजिए, एक हीमोग्लोबिन में चार हीम होंगे और चार ही ग्लोबिन जो श्रृंखला है पॉलीपेप्टाइड की वो होगी। हीमोग्लोबिन में हीम होता है, ग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन के अणु में बात करेंगे तो चार हीम होंगे और चार ही ग्लोबिन होंगे। अब ये हीम में क्या क्या होता है वो देख लीजिए, अगर हम बात करें हीम की, तो इस हीम में एक तो होगा आयरन,
और एक होगी और पायरीन री। देख लीजिए, अगर आपको हीम बनाना है, एक आयरन का अणु और एक पोर पायरिन रिंग होगी। और डिटेल में बात करें, ये जो एक पोर पायरिन रिंग है वो चार पायरोल रिंग से बनी होती है। देख लीजिए, उलझने की जरूरत नहीं है, चार पायरोल रिंग मिलकर पोर पायरिन रिंग बनाती है। इसके साथ अगर एक आयरन मिल जाए तो हीम बनाता है, और ऐसे चार हीम मिलकर चार ग्लोबिन से जुड़ जाए तो एक अणु हीमोग्लोबिन का बनता है। क्लियर है बात? और हीम और ग्लोबिन दोनों क्या कहला रहे हैं? हीमोग्लोबिन। देख लीजिए क्लियरिटी के साथ। और ये जो ग्लोबिन है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। बहुत सारे अमीनो एसिड की एक चेन है, एक ग्लोबिन चेन जुड़ी रहेगी एक हीम के साथ। तो चार ग्लोबिन चेन है तो चार हीम के साथ जुड़ी रहेगी, चार हीम और चार ग्लोबिन मिलके ही हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्लियर है बात? देख लीजिए, आगे चलते हैं। तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि हम बात कर रहे थे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। फिर हमने हीमोग्लोबिन को देखा, उसमें दो कंपोनेंट हीम और ग्लोबिन। हीम किससे मिलके बना है? आयरन और पोर पायरिन रिंग से। ऐसे चार हीम मिलेंगे जो चार ग्लोबिन चेन के साथ जुड़ जाएंगे और हीमोग्लोबिन बनाएंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें ये पता लगी कि चार पायरोल रिंग मिलकर पोर पायरिन रिंग बनाती है। क्लियर है बात? देखिए, तो अभी तक जो हमने बात की है वो एकदम क्लियर है। हम पढ़ना चाह रहे थे कि ऑक्सीजन का परिवहन अधिकतम किस रूप में होता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। और ऑक्सीहीमोग्लोबिन में कितने प्रतिशत होता है? 97। इसको समझने के लिए हमने इसका अध्ययन किया, हीमोग्लोबिन का। इसके नाम से ही हमने देखा कि इसमें एक हीम है और एक पार्ट ग्लोबिन है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक अणु हीमोग्लोबिन का बनाना है तो उसमें चार अणु किसके रहेंगे? हीम के, और चार श्रृंखला ही, चार चेन रहेगी किसकी? ग्लोबिन। और मैंने आपको ये भी बताया कि एक हीम के साथ क्या जुड़ी रहेगी? एक ग्लोबिन चेन। देख लीजिए, इस हीम के अंदर एक तो होता है आयरन और एक होती है
और पायरीन रिंग, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, हीम बनाती है। और ये जो आपको दिख रही है और पायरीन रिंग, ये चार पायरोल रिंग से मिलके बनी है। पायरोल रिंग कुछ ऐसी होती है, ये पायरोल रिंग, ऐसी चार पायरोल रिंग मिलेगी, पोर पायरिन रिंग बनाएगी, और पोर पायरिन रिंग आयरन के साथ जुड़ेगा, हीम बनाएगा, और ऐसे चार हीम चार ग्लोबिन के साथ जुड़ेंगे और एक अणु किसका बनाएंगे, हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन भी तीन प्रकार के होते हैं। मेन क्वेश्चन यह है कि ये प्रकार किस पर आधारित है, तब आपको ध्यान में रखना है। हीमोग्लोबिन के जो प्रकार है वो ग्लोबिन चेन के आधार पर है। हीमोग्लोबिन तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है ये तो हम बात करेंगे, लेकिन इनको बांटने का आधार है ग्लोबिन चेन। हीम का फिक्स है कि वो सभी में आयरन और पोरपायरिन रिंग के साथ होगा, और एक पोरपायरिन रिंग में चार पायरोल रिंग जुड़ेंगे तब वो बनेगी, और चार हीम चार ग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और एक अणु हीमोग्लोबिन का बनाएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे पढ़ते पढ़ते एमएससी तक आ जाते हैं लेकिन उनको क्लियरिटी नहीं है इस बात की कि हीमोग्लोबिन किस तरीके से बनता है। वो ऐसा मान लेते हैं कई बार कि एक हीम और एक ग्लोबिन, नहीं, चार हीम और चार ग्लोबिन, हर एक ग्लोबिन चेन अलग अलग हीम के साथ जुड़ी रहती है, और हीम के अंदर क्या होगा, आयरन और पोर पायरिन रिंग, और पोर पायरिन रिंग चार पायरोल रिंग से मिलकर बनी होती है, और पायरोल रिंग कैसी होगी ये देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। बार बार मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको एकदम क्लियरिटी आ जाए। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपके पास अगर एक अणु हीमोग्लोबिन का है तो आप बिल्कुल जान चुके हैं कि आपको चार हीम चाहिए और ये चार हीम चार ग्लोबिन श्रृंखला से जुड़े हो। चार हीम में से अगर हम बात करें कि एक हीम कैसे बनता है, तो एक हीम बनाने के लिए आयरन और क्या होगी, और पायरिन वाले। ये आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, हीम बन जाएगा। और कोई आपसे ये पूछ ले एक पोर पायरिन रिंग किससे बनेगी, तो आपको बोलना है चार पायरोल रिंग से। चार ग्लोबिन चेन के बारे में बात करते हैं। इन चार ग्लोबिन चेन के आधार पर ही हीमोग्लोबिन के प्रकार निर्धारित किए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हीमोग्लोबिन के प्रकार किसके आधार पर, ग्लोबिन चेन के आधार पर। क्लियर है, क्या है देखो, एक है हीमोग्लोबिन का प्रकार एच बी ए, एच बी ए टू, और एक है एच बी एफ, एफ फोर फीटल रूनी है। तो हीमोग्लोबिन के प्रकार तीन है,
चार ग्लोबिन चेन के आधार पर हीमोग्लोबिन को तीन प्रकारों में बांटा गया है, HbA, HbA2 और HbF। HbA ये भी किसमें पाया जाता है, एडल्ट में। HbA2 ये भी किसमें पाया जाएगा, एडल्ट में। और HbF ये किसमें पाया जाएगा, फीटल में या भ्रूण में। लेकिन ये जो तीनों प्रकार है उनका आधार क्या है, ग्लोबिन चेन, ग्लोबिन श्रृंखला। देखिए ये जो HbA है ये पॉपुलेशन में 97 से 98% पाया जाएगा एडल्ट में, और ये 2 से 3% पाया जाएगा। तो मेनली जो पाया जाता है, कॉमनली जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, मोस्ट कॉमन कौन सा है, HbA। और ये जो है इसको क्या कहेंगे, लेस कॉमन। और HbF ये किसमें पाया जाता है, भ्रूणीय अवस्था। देख लीजिए भ्रूणीय अवस्था में, प्रेगनेंसी के 6ठे वीक से लेकर 4 मंथ, 4th महीने तक, 4 मंथ ऑफ बर्थ, छठे वीक से जन्म के 4th महीने तक जो भ्रूण होगा, जो बच्चा होगा, उसमें हीमोग्लोबिन HbF होगा। बाकी एडल्ट के अंदर ये दोनों होंगे और मैक्सिमम HbA होगा। ये तीन प्रकार कैसे निर्धारित किए गए हैं, हम जानते हैं कि चार ग्लोबिन चेन पाई जाती है, चार ग्लोबिन चेन। कोई भी हीमोग्लोबिन का अणु होगा उसमें चार ग्लोबिन श्रृंखलाएं पाई जाएगी, जिसमें हीमोग्लोबिन कैसा भी हो अल्फा वाली दो दो तो सब में होगी होगी, दो अल्फा चेन सभी में होगी हीमोग्लोबिन कैसा भी हो। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि ग्लोबिन की कौन सी श्रृंखला सभी प्रकार के हीमोग्लोबिन में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, अल्फा, और अल्फा की कितनी चेन होगी, दो दो। अल्फा के साथ अगर दो चेन बीटा की भी हो तो इसको कहा जाएगा HbA, अल्फा के साथ दो चेन डेल्टा की भी हो तो इसे कहा जाएगा HbA2, और अगर दो चेन गामा की हो तो इसे कहा जाएगा HbF। तो आप समझ चुके होंगे हीमोग्लोबिन तीन प्रकार का, HbA, HbA2, HbF। इस आधार पर, ग्लोबिन चेन के आधार पर, इसमें अल्फा सब में कॉमन रहेगी, बीटा आ गया तो HbA, डेल्टा आ गया HbA2 और गामा आ गया तो HbF। इन तीनों में बात की जाए तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, HbF की या अल्फा 2 गामा 2 की, क्योंकि ये गामा चेन कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के साथ जुड़ने में मदद करती है, क्योंकि बच्चों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो अगर इन तीनों में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हीमोग्लोबिन एफ HbF जो भ्रूण में पाया जाएगा 6ठे वीक से लेकर पैदा होने के 4th महीने तक ये बच्चे में उपस्थित रहेगा, और इसमें तुलनात्मक रूप से ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता, जोड़ने की क्षमता
ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता अधिक होती है। देख लीजिए, आगे देखिए, तो हीमोग्लोबिन तीन प्रकार के हैं। किस आधार पर? ग्लोबिन चेन के आधार पर। और ग्लोबिन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन। इस ग्लोबिन के आधार पर हीमोग्लोबिन कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। लेकिन ग्लोबिन श्रृंखला कितनी प्रकार की है? चार प्रकार की। देखो, इसके अगर आप टाइप देखें, ऐसे ही तो कंफ्यूजन होता है। ग्लोबिन श्रृंखला कितने प्रकार की है? चार प्रकार की। और इस ग्लोबिन श्रृंखला के आधार पर हीमोग्लोबिन कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। क्योंकि अल्फा, दो अल्फा जो चेन है वो तो कॉमन है, बीटा आ गई तो HBA, डेल्टा आ गई तो HBA2, और गामा आ गई तो HBF। अब ये चार कौन कौन सी है इसके बारे में हम जानते हैं। अभी हमने देखा एक है अल्फा चेन, दूसरी है बीटा चेन, तीसरी है डेल्टा चेन और चौथी है गामा चेन। देख लीजिए, चार प्रकार की आपके पास चेन। अगर इसमें देखा जाए नंबर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड चेन है तो बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बंद द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे। अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बाकी सब में 146 अमीनो एसिड पाए जाते। देख ली, मतलब बीटा, डेल्टा और गामा, इनमें अमीनो एसिड की संख्या का डिफरेंस नहीं है, उनके अरेंजमेंट का डिफरेंस है। तीनों में 146 अमीनो एसिड होंगे। तो अगर आपसे बोला जाए कि हीमोग्लोबिन कैसा भी हो, इस हीमोग्लोबिन में चार ग्लोबिन चेन पाई जाएगी, चार ग्लोबिन श्रृंखला। अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन ए है तो अल्फा 2 बीटा 2। अगर इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड निकालना चाहें तो दो अल्फा के हैं तो 141 को 2 से गुणा कर देंगे, 141 को 2 से गुणा कर दो, प्लस 2 से गुणा कर दो 146 को। अगर हीमोग्लोबिन A2 है, अल्फा 2 डेल्टा 2 होगा, इसमें भी नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन यही होंगे। क्लियर है बात? देख लीजिए आप, अभी अगर हीमोग्लोबिन एफ है तो अल्फा 2 गामा 2, इसमें भी इस कैसा भी हीमोग्लोबिन हो, नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो उसकी ग्लोबिन चेन में है वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि तीनों के नंबर ऑफ अमीनो एसिड फिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है बात? देख लीजिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 141 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 2, और इसमें 2 9 2,
और इसको देखेंगे तो 574 एमिनो एसिड। हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन में चार चेन होती है, सब में मिलाकर एमिनो एसिड कितने हैं? 574। देख लीजिए आप, ये क्लियरिटी आपके दिमाग में रहनी चाहिए ताकि एग्जाम का कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर सके। चलिए आगे देखते हैं। तीन प्रकार के हीमोग्लोबिन पढ़े हमने, उसमें एक प्रकार है HbF और इसके बारे में याद रखना, ये कहां पाया जाएगा? ऋणी अवस्था के दौरान। ऋणी अवस्था के दौरान हीमोग्लोबिन कौन सा होगा? HbF। मैंने आपको एग्जैक्ट ड्यूरेशन भी बताई है कि छठे वीक से लेकर पैदा होने के चौथे महीने तक HbF प्रकार का हीमोग्लोबिन होगा। इस हीमोग्लोबिन के अंदर दो अल्फा चेन और दो डेल्टा चेन होती और इन दोनों के नंबर ऑफ एमिनो एसिड मिलाएंगे दोनों के तो कितने हो जाते हैं? 574 एमिनो एसिड, 141 एक अल्फा चेन में और 146 एक डेल्टा चेन। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ऋणीय हीमोग्लोबिन की ऋणीय हीमोग्लोबिन HbF की ऑक्सीजन से बंधुता वयस्क हीमोग्लोबिन से अधिक होती है। वयस्क हीमोग्लोबिन से अधिक होती है, ये चीजें आपको HbF के बारे में याद रखनी। देख लीजिए, तो हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दे दी है, क्या हीम होता है, ग्लोबिन कैसे होता है और इन ग्लोबिन चेन के अकॉर्डिंग ही हीमोग्लोबिन तीन प्रकार का कैसे होता है और इनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के साथ बंधुता HbF की होती है। तुलनात्मक रूप से जो वयस्क में होता है उससे ज्यादा इसके साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। एक चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में आपको बताता हूं और वो है सिकल सेल एनीमिया। जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब भी हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका रक्ताल्पता, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना है। यहां पर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये थोड़ा बहुत इससे संबंधित है। देखिए होता क्या है, हीमोग्लोबिन ए जनरली यही तो पाया जाता है, मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन यही है जो 97-98% पाया जाएगा और इसके अंदर अगर एक अणु की बात करें तो चार हीम होंगे और चार ही ग्लोबिन चेन होगी।
और HBA में दो अल्फा और दो बीटा चेन होंगे। अब ये जो बीटा चेन है ये कौन सी प्रोटीन की है? ग्लोबिन प्रोटीन की, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? ग्लोबिन चेन। और आप ये भी जानते हैं कि ये बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बनी है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन। और अगर बात करें एक बीटा चेन की, एक बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 146 अमीनो एसिड। ध्यान से देखना। फिर क्या हुआ, अगर आपने जेनेटिक्स में कहीं पढ़ा हो, यहां बता देता हूं, अगर आपको एक अमीनो एसिड बनाना है तो उसके लिए तीन नाइट्रोजन क्षारक होने जरूरी है, जिसको जेनेटिक कोड भी कहते हैं। तीन नाइट्रोजन क्षारक मिलकर एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे तो तीन नाइट्रोजन क्षारक जो है वो मिलकर यूं कह सकते हैं कि अमीनो एसिड बनाते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो बीटा चेन है, इस बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड है? 146 अमीनो एसिड है। तो होता क्या है, ये बीटा चेन है, ये इसका पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। देख लीजिए, अमीनो एसिड भी बता रहा हूं कौन सी चेन का, क्योंकि संख्या भी पूछी जाती है। देख लीजिए, अलग इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। बीटा चेन के छठे अमीनो एसिड पर जो नाम है वो जनरली जो सामान्यतः वो होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक अम्ल, देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, गात्र कोशिका रक्तालता। इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया कि जनरली सामान्यतः 97 से 98% HBA प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें चार हीम और चार ग्लोबिन होंगे, और HB है तो दो अल्फा चेन होंगी, दो बीटा चेन होंगी। बीटा चेन ग्लोबिन चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं, और हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि तीन नाइट्रोजन क्षारक कोड करते हैं एक अमीनो एसिड। इस बीटा चेन के छठे नंबर पर जो अमीनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक अम्ल होता है। बीटा चेन के छठे नंबर पर सामान्यतः कौन सा अमीनो एसिड होता है? ग्लूटामिक अम्ल होता है। और इस अमीनो एसिड को कोड करने वाले तीन नाइट्रोजन सारक है GAG, और ये GAG क्या बनाते हैं? ग्लूटामिक अम्ल। और इसी वजह से हमारी RBC का आकार कैसा होता है? उभयावतल या बाई कॉनकेव। लेकिन अगर किसी कारणवश ये GAG जो ग्लूटामिक अम्ल बना रहे थे, इस GAG की जगह GUG आ जाए,
केवल एक एक ही जगह यू आया है, केवल एक नाइट्रोजन क्षारक में बदलाव हुआ है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया को पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्यों हुआ? ए यू में बदल गया। और जीएजी किसको बना रहा था? ग्लूटामिक अम्ल को, और अब ये किसको बनाता है? वैलीन को। और इस वैलीन की वजह से जो आरबीसी पहले बाइकॉनकेव थी वो हसियाकार या सिकल सेल हो जाती है, और सिकल शेप होने के कारण अब उसे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है। तो सिकल सेल एनीमिया जनरली क्या होता है? बीटा चेन के छठे कोडोन पर सामान्यतः जीएजी तीन नाइट्रोजन क्षारक ग्लूटामिक अम्ल बनाते हैं, लेकिन बिंदु उत्परिवर्तन के कारण जीएजी की जगह जीयूजी आ जाता है जो वैलिन बनाता है। छठे अमीनो एसिड में ग्लूटामिक अम्ल की जगह वैलिन हो जाता है, इसी वजह से आरबीसी सिकल सेप हो जाती है। अब ये सिकल सेप जो आरबीसी है, हसियाकार जो आरबीसी है, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती, आदमी में एनीमिया हो जाएगा और वो मर जाएगा। आगे देखिए, तो सिकल सेल एनीमिया हम बात कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया। छात्र, कोशिका रक्ताल्पता, देख ली क्या क्या इसके बारे में मैंने आपको बताया? अगर हम बात करें तो तीन नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जीएजी, और वो जो अमीनो एसिड बनाते हैं छठे नंबर वाला, या इस कोडोन को भी कह सकते हैं छठे कोडोन पर, और इससे बनता है ग्लूटामिक अम्ल, और इसमें बदलाव होने की वजह से इसमें हो गया पॉइंट म्यूटेशन। बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन, जीएजी वही छठे कोडोन पर जीएजी की जगह जीयूजी हो गया, और ये जीयूजी क्या बनाएगा? वैलीन। जब ग्लूटामिक अम्ल था तब आरबीसी का जो शेप था वो बाई कॉनकेव था, सामान्य था, उभयावतल था, लेकिन जैसे ही वैलीन बना, इसके कारण आरबीसी असियाकार हो गई, सिकल सेप में आ गई। और हसियाकार होने के कारण ये आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकती, और व्यक्ति में एनीमिया हो जाता है। यही सिकल सेल एनीमिया है। मेन है ये किसका एग्जांपल है? पॉइंट म्यूटेशन। केवल एक नाइट्रोजन क्षारक में बदलाव हुआ है, जी
ए जी वो एक ही जगह क्यों आ गया, बस एडिनिन की जगह यूरेसिल आ गया, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बन गया और आरबीसी उभयावतल से हसियाकार हो गई और सिकल सेल एनीमिया हो गई। देख लीजिए आगे देखिए, ये जो सिकल सेल एनीमिया है इससे कुछ और प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते, उनको मैं यही बता देता हूं। जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। इसका जो जीन होता है वो ऑटोसोम पर होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम पर नहीं होता है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, याद रखना है ये। दूसरी बात याद रखनी है कि ये किसका एग्जाम्पल है, बिंदु उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन का। और तीसरी बात, एक शब्द और है कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता, जिसका एक और एग्जाम्पल है एबी ब्लड ग्रुप, और उसी सह प्रभाविता में सिकल सेल एनीमिया, जब कोई व्यक्ति इस रोग का, देखिए HbA और यह है HbS, एक गुणसूत्र पर सिकल सेल एनीमिया वाला जीन है, इसको वाहक कहेंगे, और ये वाहक किसका उदाहरण है, कोडोमिनेंस का। इसमें HbA का प्रभाव भी होगा और HbS का प्रभाव भी होगा, तो इसमें जो आरबीसी होगी वो उभयावतल भी नहीं होगी और हसियाकार भी नहीं होगी, थोड़ी अनियमित हो जाएगी, लेकिन इसमें व्यक्ति मरेगा नहीं, वाहक होगा। अगर ऐसा ही उसका काउंटर पार्ट मिल जाए तो जो बच्चा होगा वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको अच्छे से पता करना है। एक एक चीज सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैंने आपको बता दी है, अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली अगर हम देखें कि एक हीम जो है उसके साथ एक ऑक्सीजन का अणु बाइंड होता है, ध्यान से देखना, एक हीम के साथ एक ऑक्सीजन का अणु बाइंड होगा। तो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक हीमोग्लोबिन अणु के साथ, ध्यान से देखना भाई, एक हीमोग्लोबिन के अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ सकते हैं,
इसने एक अणु हीमोग्लोबिन पूछा है। हम जानते हैं एक हीम अणु के साथ एक ऑक्सीजन का अणु रहेगा और हीमोग्लोबिन पूछा गया है, तो बच्चा जल्दबाजी में ऐसा कर देता है कि एक नहीं। हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एक हीमोग्लोबिन के अणु में देखा जाए तो चार अणु किसके होंगे, हीम के, और एक हीम में एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ेगा तो एक हीमोग्लोबिन में चार हीम होंगे और एक हीम में एक जुड़ेगा तो चार ऑक्सीजन अणु इसका आंसर हो, ये भी पूछा जाता है। देख लीजिए, एक हीम, एक अणु ऑक्सीजन, चार हीम, चार अणु ऑक्सीजन, और चार हीम का मतलब है एक हीमोग्लोबिन। ये कुछ क्लियरिटी है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इनकी वजह से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बार बार रिवाइज करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम जब भी कोई एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत कम चांसेज होता है कि हमें उस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है, बस कंफ्यूजन या कि थोड़ा ढंग से पढ़ लेते तो आ जाता, और ऐसा लगता भी है कि इसका आंसर इन दोनों में से होगा और बस उसी कंफ्यूजन में हम बाहर हो जाते। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको जो भी वीडियो बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। आइए आगे देखते हैं। एक हीमोग्लोबिन अणु में चार ऑक्सीजन के अणु है ना, तो एक बार और लिख देता हूं, एक हीमोग्लोबिन अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है, तो जवाब है चार अणु का। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। अब एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये याद ही रखना है, एक ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देख लीजिए, इसको आप याद ही रख ले, एक ग्राम हीमोग्लोबिन अणु ऑक्सीजन के 1.34 ml आयतन का परिवहन करता है। एक ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देख लीजिए, दो बार लिख दिया मैंने, एक बार और अलग कलर से लिख देता हूं, एक ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
अब एक डाटा और याद रखना है, क्या? ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रख लो। सामान्यतः नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो होती है 15 ग्राम पर 100 ml। ये डाटा भी अच्छे से याद। 100 ml ब्लड में नॉर्मली 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। देख लीजिए, तो सिंपली मैंने आपको दो लाइनें याद करवाई है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। याद हो गया आपको? दूसरी बात मैंने आपको याद करवाई है, और जो हमारे शरीर में होता भी है, सामान्यतः जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड। 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब अगर कैलकुलेट करें, हमारा क्वेश्चन ये हो कि 100 ml रक्त कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए, तो क्या ध्यान में रखना है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 और 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 15। तो 1.34 को 15 से गुणा करेंगे तो अप्रोक्सीमेट में 20 ml आंसर आ जाए। देख लीजिए, 100 ml रक्त 20 ml ऑक्सीजन को परिवहन करता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता या हीमोग्लोबिन की जगह हम बात करें ब्लड के बारे में तो ज्यादा ठीक रहेगा। रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता वो कितनी होती है, 20 ml पर 100 ml। 100 ml रक्त 20 ml ऑक्सीजन लेके जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, 20% ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी। क्लियर है बात? देखिए, तो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता है 20 ml पर 100 ml, जिसको 20% भी कहा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको चीजों को देखना है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, सामान्य रूप से नॉर्मल कंडीशन में जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई है, उस समय हीमोग्लोबिन में जो आयरन है
उसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस टू होती है। ध्यान से देखना भाई, ऑक्सीकरण अवस्था, कब? जब ये नॉर्मल है, इसके साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई है। अब क्या हुआ, इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई और इसको कहा जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन इस प्रोसेस में ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन था उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी प्लस टू थी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो आयरन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी प्लस टू है। कहने का मतलब, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण नहीं कह सकते, तो फिर क्या कहेंगे? इसके लिए एक शब्द है ऑक्सीजनीकरण, ये याद रखना है, ऑक्सीजनेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीजनीकरण है, ऑक्सीजिनेशन है। और ऐसा क्यों है? ऑक्सीडेशन कब बोला जाता? जब ऑक्सीजन जुड़ने के बाद इसमें जो एलिमेंट है, जो तत्व है आयरन, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में बदलाव होता। लेकिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन में भी प्लस टू है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी प्लस टू है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदल रही है तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, तो फिर एक नया नाम दिया गया, ऑक्सीजनीकरण, ऑक्सीजनेशन। क्लियर है बात? देख लीजिए, अब आगे देखते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या? कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन नहीं है। इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीजनीकरण है, ऑक्सीजिनेशन है। देखिए, याद रहेगी ये बात, ऑक्सीजिनेशन या ऑक्सीजनीकरण। ऑक्सीकरण क्यों नहीं है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी, यहां से ब्लड आ रहा है और ये पहुंच गया है, इधर है टिश्यू, ऊतक। क्लियर है बात?
और इन उत्कों के पास से फिर ये ब्लड इधर आ रहा है, देख लो ध्यान से। तो उत्कों तक जो ब्लड लेके आ रही है वो है आर्टरी, जिसको हम कहेंगे धमनी। और उत्कों से जो ब्लड लेके जा रही है वो है वेन, वो है सिरा। एक डाटा आपको याद रखना है कि जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है उसके 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन है, और ये 100 ml ब्लड में जो 20 ml ऑक्सीजन है इसमें से 5 ml ऑक्सीजन पर 100 ml के हिसाब से उत्कों में चली जाती है और उत्तक उससे श्वसन करते हैं, और शेष जो है वो 15 ml पर 100 ml के हिसाब से सिराओं के रक्त में रहती है। ये डाटा आपको याद रखना है। धमनियों के रक्त में 100 ml रक्त में 20 ml ऑक्सीजन होती है। उस 100 ml ऑक्सीजन सॉरी 100 ml ब्लड में जो 20 ml ऑक्सीजन है उसमें से 5 ml पर 100 ml के हिसाब से ऊतक को दे देती है, और सिराओं के रक्त में कितनी रह जाएगी, 15 ml पर 100 ml। 15 ml ऑक्सीजन है और 100 ml ब्लड है, देख लो। आगे देखते हैं, इस बात को और अपन अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यहां देखिए आप, टोटल जो रक्त की ऑक्सीजनीकरण क्षमता है वो उसके बारे में बात करते हैं। रक्त की ऑक्सीजनीकरण क्षमता आप दो जगह डिसाइड करेंगे, एक है धमनियों में और एक है सिराओं में। आर्टरी में और वेन में, आर्टरी में हमें पता लगा कि 20 ml पर 100 ml है, तो इस क्षमता को कहा जाएगा 20%। और सिराओं में मैंने आपको अभी बताया 15 ml पर 100 ml, इसको कहा जाएगा 15%। रक्त की ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी आर्टरी में कितनी है और वेन में कितनी है ये आपके सामने देख लीजिए। अब यहां से एक चीज ध्यान रखनी है कि जो धमनियों का रक्त है वो पच्चीस प्रतिशत ऑक्सीजन 25% ऑक्सीजन उत्कों में मुक्त करता है। इस लाइन को अच्छे से समझिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर 25 कहां हुई, 5 ml ही तो हुई,
और 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन अगर दिया है तो 5% हुई। लेकिन याद रखो, धमनियों के रक्त में 100 ml रक्त में 20 ml ऑक्सीजन थी। तो अगर 100 ml ब्लड माना जाए तो 20 ml ऑक्सीजन है, और उस 20 ml में से 5 ml उत्तकों को दे दी, और प्रतिशत निकालना है तो कितना आ गया, 100 को गुणा करेंगे और आंसर कितना आ गया, 25%। धमनियों के रक्त में 20 ml ऑक्सीजन है, 20 ml में से 5 ml उत्तकों को दे दिया, तो 20 का कितना प्रतिशत उत्तकों को दे दिया, 25%। ये याद रखना। तो रक्त या धमनियों का रक्त उत्तकों को कितने प्रतिशत ऑक्सीजन देता है, उसका जवाब है 25%, क्योंकि 20 का 25% कितना होता है, 5 ml। ये कैलकुलेशन भी ध्यान में रखनी है, देख लीजिए। चलिए, क्लियर है? अगर आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस समय 100 ml ब्लड 5 ml की जगह लगभग 15 ml ऑक्सीजन, 15 ml पर 100 ml ब्लड उत्तकों तक चला जाता। बात को समझो, नॉर्मली सामान्य 100 ml ब्लड आपके उत्तकों तक कितना देगा, 5 ml ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 100 ml ब्लड आपके उत्तकों तक 15 ml तक ऑक्सीजन दे सकता है। तो व्यायाम और एक्सरसाइज करने से आपके उत्तकों तक जो ऑक्सीजन पहुंच रही है उसकी मात्रा भी बढ़ती है, 5 ml से 15 ml हो जाती है। इसलिए पूरे दिन में 1 घंटा तो कम से कम व्यायाम करना ही चाहिए, ताकि बॉडी को ऑक्सीजन अगर प्रॉपर तरीके से सप्लाई होती रहेगी तो आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलेगा, ये भी ध्यान में रखिए। अब देखिए आगे, अगर अपन बात करें, एक चीज और ध्यान में रखनी है, हमारे पास ये वायु कुपिका है और यहां पर ये टिश्यू है, उत्तक। यहां पर भी मैं ब्लड बना देता हूं, यहां पर भी ब्लड है और यहां पर भी ब्लड। ध्यान से देखिए, ये जो है ये है फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वायु कुपिका, एल्वियोलाई, और इधर जो है वो है ऊतक या टिश्यू। इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि वायु कुपिका के समीप जो ब्लड है, इस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। देख लीजिए, और इस कंडीशन की वजह से यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कहां पर होगा, वायु कुपिका के पास जो कैपिलरीज है उसमें, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है।
जो उत्कों के पास ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। इस कंडीशन के कारण इस जगह पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन कहाँ होता है? उत्कों के पास वाले रक्त में, ब्लड में। कारण क्या है? ये रहा, ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण एल्वियोलाई के पास वाली कैपिलरीज में होता है, क्योंकि यहां पर CO2 की वैल्यू ज्यादा और PCO2 की वैल्यू कम होती है। उत्कों के पास जो ब्लड रहता है उसमें PO2 की वैल्यू कम और PCO2 की वैल्यू ज्यादा, इस वजह से यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से शुरुआत की, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा में हीमोग्लोबिन और उससे जुड़ी हुई समस्त जानकारियां मैंने आपको बता दी है, और किस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, इन सारी बातों को जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैंने आपको समझा दिया है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।